बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे रेशियो से रिलेटेड। अगर आपने इससे पहले 19 क्वेश्चंस जो है वो नहीं सॉल्व किए, नहीं देखे, तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके वो सारे क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं। तो करते हैं हम आज का क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सिटी हॉस्पिटल हैज इनफ पिल्स ऑन हैंड टू ट्रीट 9 पेशेंट्स फॉर 12 डेज। सिटी हॉस्पिटल के पास इतनी टैबलेट्स हैं कि वो 9 पेशेंट्स को जो है वो 12 दिनों तक जो है वो ट्रीट कर सकती है। हाउ लॉन्ग विल द पिल्स लास्ट, कि कितने दिनों में वो जो पिल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी इफ देयर आर 36 पेशेंट्स। ठीक है, कि अगर वो कितने, अगर 36 पेशेंट्स हो जाएं तो वो जो पिल्स हैं वो कितने दिनों में खत्म हो जाएंगी। तो हमने मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल द पिल्स, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम के बारे में बात हो रही है कि कितने दिनों में खत्म होंगी। तो जो हमने मालूम करना होता है हम उसको हमेशा पहले लिखते हैं। तो यहां पे लिख लें डेज, और डेज और दूसरा जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो हम पेशेंट्स लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिए पेशेंट्स। अब देखें नंबर ऑफ डेज हमारे पास जो है वो 12 हैं, कि 12 डेज में 9 जो पेशेंट्स हैं वो ट्रीट होते हैं। डेज 12 हैं, पेशेंट्स हमारे पास 9 हैं, और हमसे अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल द पिल्स लास्ट, कि कितने दिनों में पिल्स खत्म होंगी हमें नहीं पता। तो हम इसकी जगह पे अभी एक्स लिख लेते हैं। How long if there are 36 patients, के अगर 36 patients हों तो, ये हमने असाइन कर लिया। अब हमने देखना है कि इनका रिलेशन क्या है। देखें पहले वाला जो हमने मालूम करना होता है उसका एरो मैंने हमेशा की तरह बताया हुआ है कि अपवर्ड एरो लगाना है। ठीक है, अब हमने इसका देखना है कि इसका जो है वो रिलेशन पिल्स के साथ किस तरह है। देखें पिल्स यहां पे मुस्तकिल हैं, पिल्स लेट्स से कि 50 पिल्स हैं, ये 50 जो है वो टैबलेट्स हैं, तो 50 टैबलेट्स अगर 9 लोग खाएं तो जो है वो पिल्स उनको खाते खाते टाइम लग जाएगा, ज्यादा दिन लगेंगे। अगर पेशेंट्स बढ़ा दें तो वो पिल्स जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है कि पेशेंट्स ज्यादा होंगे तो पिल्स कम दिनों में जल्दी खत्म हो जाएंगी, और अगर पेशेंट्स जो है वो कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है जबकि दूसरी कम हो रही है, तो इस सूरत में कौन सा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं कि एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो एरो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेल वाला हमेशा ऊपर रखते हैं, देखें टेल पे एक्स है तो इसको ऊपर रखा, नीचे 12 रखा। इसी तरह जो है वो टेल पे 9 है इसको ऊपर रखा, और हेड पे 36 है इसको इधर रख दें। एक्स इधर रहेगा, 12 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 9 पे काट दें ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है वो फिर से काट दें तो ये बचेगा 3। तो जो है वो 3 दिनों में वो टैबलेट्स खत्म हो जाएंगी अगर 36 पेशेंट्स होंगे तो।